दोस्तों मैं लेके आई हूँ लैक्मे का ल्यूमी स्मूथ AHA फेस वॉश। इसका मैं नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू शेयर करूँगी, इसको अपने फेस पे यूज़ करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसके यूज़ करने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों ये है लैक्मे का स्किन अल्टाइम कलेक्शन का ल्यूमी स्मूथ AHA प्लस फेस वॉश, जिसमें 2% BHA एंड AHA एक्टिव है। देखिए दोस्तों ये फेस वॉश जो है न्यू लॉन्च है, जो कि एक्टिव के साथ लैक्मे ने लॉन्च किया है। इसमें आपको सिरम भी मिल जाएगा। ये फेस वॉश करता क्या है, देखिए ये क्लियर जेंटल एवरीडे क्लेंजर है, जो कि 2% BHA एंड AHA के साथ है, जो कि ब्राइटन करेगा एंड स्मूथ करेगा स्किन को और स्किन को बाउंस लुक देगा। ये स्मूथनेस जो है आपको मिलेगी इस फेस वॉश से, जो कि आप लैक्मे का ही ये फेस वॉश यूज़ करते हैं, इसमें आपको इनका सीरम, जेल, क्रीम, सनस्क्रीन सब कुछ मिल जाएगा। सीरम का मैं रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो दोस्तों ये जो AHA होता है ये स्किन को कहीं ना कहीं एक्सफोलिएट कर देता है, BHA होता है, ये दोनों एक्टिव होते हैं। इनको यूज़ करने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है थोड़ी सेंसिटिव हो ही जाती है, जो कि इसमें 2% AHA BHA तो ये मात्रा भी बहुत कम है। तो अगर आप बिगनर हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ये आता है 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ 249 रुपीज़ का, मतलब कि 250 रुपये का। ये नायका में अवेलेबल है और अभी ये सिर्फ और सिर्फ नायका और आपको लैक्मे की वेबसाइट में मिलेगा या फिर काउंटर में आप देख सकते हैं। इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट को आप पॉज करके चेक कर सकते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि इसमें लीना लूल है, वाटर है और इसमें दोस्तों साइट्रिक एसिड है। इसमें केमिकल हैं लेकिन इसमें कोई पैराबेन नहीं है, पैराबेन ये फ्री प्रोजेक्ट है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पॉज करके चेक कर लेना, जब इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाइड होना देख लेना कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जिससे आपको सेंसिटिविटी हो या फिर एलर्जी हो, तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। देखिए ये जो फेस वॉश है, आप चाहो तो इसको डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ कि मैं इसको नाइट टाइम यूज़ कर लेती हूँ। और इसकी अगर आप मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो सॉरी फॉर दैट। इसका जो देखिए फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी है, वो जेल बेस है, ट्रांसपेरेंट है और फ्रेगनेंस बहुत यूनिक एंड अच्छी सी फ्रेगनेंस है। मतलब लैक्मे के ज़्यादातर प्रोडक्ट में जो फ्रेगनेंस आती थी वो उस तरीके की नहीं, कुछ डिफरेंट फ्रेगनेंस आपको मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट में। देखिए इसका सिरम भी अवेलेबल है, चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो सिर्फ इसका फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल जेल बेस है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट जेल में है। ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा है लेकिन आप तब भी समझ सकते हो कि ये जेल फॉर्म में है। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ही लगेगा क्योंकि ये फैलता ज़्यादा है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये जिस तरीके के जो फेस वॉश होते हैं ये तब यूज़ करें जब सेंसिटिव स्किन नहीं है। सेंसिटिव स्किन वालों को इतने जो एक्टिव होते हैं नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी स्किन में थोड़ी सेंसेशन हो। यूज़ करने का जो तरीका है मैं आपको दिखा देती हूँ लाइव रिजल्ट में। देखिए मैं इसको ले रही हूँ और अभी तो मैं डे टाइम इसको शूट कर रही हूँ, बाकी मैं मैक्सिमम टाइम इसको नाइट में यूज़ करती हूँ। मुझे लगा था कि हो सकता है मुझे कुछ इरिटेशन हो या सेंसेशन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको यूज़ करने में मुझे कोई भी इरिटेशन या सेंसेशन नहीं फील हुई। मैंने थोड़ा सा इसको क्वांटिटी में लिया है, वाटर से मिक्स करके इसको लगाया है। ये लेदर तो अच्छे से बनाता है, एक सॉफ्ट लेदर है, बहुत हैवी वाला लेदर तो नहीं है। और देखिए दोस्तों इसको यूज़ करने पे मुझे फील हुआ कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, मतलब कि ये ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्टली वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये स्किन के ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। ड्राई स्किन ब्यूटीज़ के लिए लैक्मे के अदर फेस वॉश अवेलेबल है। मैं तो ये फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन को ही रिकमेंड करूँगी, जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है आप ट्राई कर सकते हो। और AHA BHA वाले कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट कभी भी यूज़ करो तो पैच टेस्ट करके ही यूज़ करो, क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, हर प्रोडक्ट अलग तरीके से वर्क करता है सब स्किन टाइप पे। और दोस्तों ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक रखें आप अपना ख्याल, टेक केयर।